महाराष्ट्र में एक संत हुए, नाम हुआ मोरया गोसाई। आदि कथा तो यही समझ आ गई, संत का नाम हुआ मोरया गोसाई। ये कहां रहते हैं? महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूर एक गांव पड़ता है चिंचवड़, आज भी है, और ये गणेश जी के बहुत बड़े वाले भक्त। इनका नियम क्या था, हर महीने की जो चतुर्थी तिथि आती है, जैसे मासिक शिवरात्रि होती है, मासिक दुर्गाष्टमी होती है, वैसे ही मासिक गणेश चतुर्थी भी होती है। तो भैया आप लोग जानते हैं जैसे भोलेनाथ के 12 मंदिर है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, उसी प्रकार भगवान गणेश के 8 मंदिर हैं जिन्हें कहते हैं अष्ट विनायक। ये सारे के सारे महाराष्ट्र में हैं, और इन 8 मंदिरों का वर्णन गणेश पुराण में आता है। इनमें से एक है भगवान मोरेश्वर, मोरगांव में। तो मोरया गोसाई जी हर गणेश चतुर्थी को जाते हर महीने। तो करते 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 मोरया गोसाई जी का शरीर ढलने लगा, बूढ़े होने लगे, नियम टूटने लगा, नियम खंडित होने लगा। प्रभु कृपा कर प्राण छूट जाए, नियम ना छूटे। एक दिन भगवान ने स्वप्न में आकर आदेश दिया, चिंता मत कर, आज तक तू मेरे पास आया, मैं तेरे पास चलकर आऊं। श्री मोरया गोसाई जी को भगवान का आदेश हुआ। उनके घर के पास एक नदी थी, तो जैसे ही उन्होंने नदी में डुबकी लगाई, जैसे मोरगांव में गणपति जी बैठे हैं वैसी ही मूर्ति उन्हें प्राप्त हुई। बड़े प्रेम से मोरया गोसाई जी उनको लेकर आए, अपने घर पर स्थापित किया, दूर दूर तक उनकी ख्याति फैलने लगी। तो जैसे ही कोई भक्त उनके पास आता, मोरया जी दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते, गणपति बप्पा, भक्त गुरुदेव के चरण छूकर कहते मोरया। यहां से ये चलन निकला, ठीक। यानी इस जय घोष का सीधा सा मतलब है भक्त और भगवान का संबंध।